हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीसी चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से ओनली यूपीसी के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के एक और सेशन के साथ मैं सौरभ उपस्थित हूँ आपके सामने। तो चलिए, आज इस सेशन में चलने से पहले हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लासेस में हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, तो जिसमें हमने सबसे पहले ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ा, और फिर हम आगे बढ़े तो फिर हमने देखा कि किस तरह से इंडियन रिवर सिस्टम का डिवीज़न किया हुआ है हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, राइट। सबसे पहले हमने हिमालयन रिवर सिस्टम समझना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने जो हिमालयन रिवर सिस्टम के पार्ट्स हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगेटिक रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा, इनमें से सबसे पहले हमने चूज़ किया कि गंगेटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गंगेटिक यानी कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जितनी बातें थी, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, स्टार्टिंग में हमें शुरुआती दौर में समझना था कि गंगेटिक रिवर सिस्टम का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अलकनंदा जो कि रिवर है, वो शतपत ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ से, और उसमें बाकी सारी नदियाँ आके जुड़ जाती हैं और फिर गंगा बन जाती है। तो काफ़ी विस्तार से हमने देखा था लास्ट क्लास में। कुछ न्यूज आ रहा है इस मंथ में, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि करंट इवेंट से रिलेटेड है, तो आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए इन सब के बारे में। तो अभी जैसे कि उत्तराखंड में ये सब चारों धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम के नाम हैं। तो उत्तराखंड में ये चार धाम यात्रा का शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड में ये चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो उस पर एक न्यूज़पेपर में ये इस तरह का एडवर्टीजमेंट छपा था। तो आप देखिए, इसको उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ चार धाम पाए जाते हैं। चारों धामों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये महीना है चार धाम के विजिट करने का। तो इसमें कैलेंडर दिया हुआ है कि ये दिवस रखा गया है ताकि आप वहाँ विजिट कर सकें। तो इस तरह का मेरे इस एडवर्टीजमेंट दिखाने का पर्पस यही था कि आप समझें इस स्थान की इम्पोर्टेंस हमारे लिए हिस्टोरिकल दृष्टि से भी, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से भी कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हमने इन्हें चार धाम की मान्यता दे रखी है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम की ओरिजिन मानी जाती है। तो चार धाम इसको मानने के पीछे मुझे जहाँ तक लगता है साइंटिफिक कारण यही है कि रिवर यानी कि नदी सिस्टम, जो नदी प्रणाली है, ये काफ़ी एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन समय से ही ये रिवर सिस्टम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा प्राचीन काल के बारे में, जब भी आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में एंशियंट टाइम्स के बारे में, तो आपने देखा होगा कि नदियों के इर्द गिर्द ही सारा जीवन व्यवस्था जो है वो शुरुआत के दौर में बनाई जाती थी। फिर बाद में विकसित शहर जैसे जैसे विकसित होना शुरू हुए, उसके बाद फिर नदियों से दूर हट करके भी लोग रहने के लिए व्यवस्था कर पाए। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में, जब पानी का स्रोत सिर्फ और सिर्फ नदी ही हुआ करता था, और पानी जीवन के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है आपको तो पता ही है, तो इसलिए नदियों के किनारे ही सारे जीवन का शुरुआत हुआ। और नदियों का जो ओरिजिन है, ये ग्लेशियर्स, ये स्थान, तो स्वाभाविक रूप से इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसको चार धाम का दर्जा दिया गया हमारी संस्कृति में। तो ये बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है अभी अप्रैल का, और इसमें चारों धाम की यात्रा के लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। तो चलिए, इस पंचप्रयाग के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंचप्रयाग के बाद गंगा का किस तरह से विस्तार आगे की ओर हुआ है, गंगा का प्रवाह किधर की ओर आगे बढ़ती है। तो हम उसके जानने से पहले देखेंगे कि गंगा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड में गंगा की शुरुआत हो गई थी, राइट। तो सबसे पहले उत्तराखंड, यूके, ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड से गंगा बनते बनते प्रयागराज आ गई, मतलब यूपी तक आ गई। गंगेटिक रिवर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा का उत्पत्ति सबसे पहले उत्तराखंड से हुआ, ठीक है, और उत्तराखंड से फिर यूपी, और यूपी से फिर होते हुए कहाँ जाता है, ये बिहार चला जाता है,
गंगा रिवर जाती है, और बिहार से फिर थोड़ा झारखंड के एरिया में भी होती है, बहती है, और झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल चली जाती है। वेस्ट बंगाल से ये बंगाल वाले क्षेत्र होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जाती है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो ये रिवर का फ्लो है, ठीक है। रिवर फ्लो इस तरह से बना हुआ है, आप ये ध्यान रखें कि गंगा, अगर पूछा जाए आपसे कि कौन कौन से राज्य होकर के बहती है गंगा, गंगा किन राज्यों से होते हुए बहती है, तो आप बता सकते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, आप अगर स्टेट वाला मैप निकाल लें अपना, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप अगर निकालें तो उसमें भी ये दिखाया हुआ है। ये मैप है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कम्बाइन रूप से। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगा इधर से ही होकर बहती है ना, तो ज़्यादातर रीजन इधर ही दिखेगा आपको। तो हमने कल देखा कि उत्तराखंड से ये बहना शुरू किया इसने। यहाँ देखो गंगा का ऑरिजिन कैसे हुआ, तो हम एक ड्रॉ करते हैं, गंगेटिक रिवर सिस्टम, आप हेडिंग देंगे गंगेटिक रिवर सिस्टम, और हम स्टार्ट करते हैं देखना कि सबसे पहले उत्तराखंड से गंगा बहती कैसे है। तो पंच प्रयाग हो गया, पंच प्रयाग की बात हमने कर ली, तो अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब यूके से सीधे गंगा निकल रही है, तो गंगा जब निकल रही होती है तो उसका नाम यूके में कहाँ से निकल रही है, यूके में पंच प्रयाग की बात नहीं करेंगे। अब यूके में हम सिर्फ बात करेंगे प्रयागराज की, क्योंकि यहाँ के बाद, तो अब गंगा इसके बाद की बात करेंगे हम इस तरह से। तो सबसे पहले जो नदी आके मिलती है इसमें, मतलब अब हम इसके सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रयागराज के बाद जो सबसे पहली नदी है ये इससे आके जुड़ती है। अब गंगा का फ्लो किधर है, गंगा का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो गंगा का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो इधर जितनी नदियाँ होंगी ये लेफ्ट साइड की होंगी, राइट। इधर गंगा का लेफ्ट हुआ, इधर गंगा का राइट हुआ, यानी कि अगर पूछेगा आपसे कि गंगा की, ये गंगा रिवर है, गंगा की दाहिनी साइड की सारी सहायक नदियों के नाम बताएं, तो इधर जितनी नदियां सहायक नदियां होंगी आप इनकी नाम बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गंगा के लेफ्ट साइड की नदियों के सहायक नदियों के नाम बताएं, तो जितना इधर साइड नदियां होंगी उनके नाम बताया जाएगा, राइट। तो हम अभी बारी बारी से इन सारे सहायक नदियों का नाम देखेंगे और जानेंगे कि राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। तो सबसे पहले जो नदी है वो आके मिलती है इसमें, उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा एक नदी है और ये लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है बाईं ओर की। आप मैप में भी देख सकते हैं, मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। हमने देखा ये है गंगा, और गंगा के बाद जो सबसे पहली नदी इसमें आके मिलती है, ओ मैंने थोड़ा गलत मार्क कर दिया है, आप इसको करेक्ट कर लें। ये है गंगा रिवर, ये गंगा रिवर यहाँ से निकलती है और इधर आके मिल जाती है, राइट, इसमें मैप में। तो आपको गंगा रिवर क्लियरली दिख रहा होगा, अभी गंगा रिवर का इस तरह से फ्लो हुआ है, यहाँ पे प्रयागराज है, राइट। और प्रयागराज के पहले गंगा में ये एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, देख रहे हैं, ये है ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा का ओरिजिन भी कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है। और उसके बाद आप देखेंगे गोमती रिवर, ये रही गोमती रिवर, गोमती रिवर आकर के मिलती है इधर। लेकिन गोमती रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी भी है, गोमती रिवर तो खुद ट्रिब्यूटरी है, गोमती रिवर तो खुद सहायक नदी है ही, लेकिन गोमती में भी एक और नदी छोटी सी आके मिलती है जिसके नाम है साई, साई रिवर, दिख रहा है आपको। आप सब कुछ मैप में मार्क करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा गंगा की जो बाईं हाथ की ट्रिब्यूटरी है, बाएं साइड की जो ट्रिब्यूटरी है
सहायक नदी है उसमें सबसे पहले हमने नाम पढ़ा रामगंगा का। रामगंगा के बाद एक नदी मिली हमें गोमती। गोमती की एक छोटी सहायक नदी है, वो उसका नाम है साई। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं एक और नदी इधर दिखाई दे रही होगी आपको, ये है घाघरा नदी। घाघरा का ही नाम, दूसरा नाम है सरयू नदी। ठीक है, ये कहाँ से आती है? तो ये नेपाल से होकर के आती है, तिब्बत साइड से स्टार्ट होती है। तो ये गोमती रिवर है, गोमती रिवर में इसकी गोमती की भी ट्रिब्यूटरी है, वो भी आके मिलती है। गोमती की सहायक नदियाँ वो भी आके मिलती है। तो गोमती की सहायक नदियाँ कौन कौन है? यहाँ देखिए, नेपाल से एक नदी आती है सेती, पीला, और इधर एक नदी रहेगी, यहीं पे एक और रिवर है बेरी। दिख रहा है? ये मुख्य रिवर हो गई, मतलब हम घाघरा रिवर या सरयू रिवर की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते चलेंगे पीछे इस पे भी, तो हमें क्लियरली समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा रामगंगा ड्रॉ किया, उसके बाद हम देख रहे हैं रामगंगा के बाद एक जो रिवर आगे मिली है इसमें, उसका नाम है ये गोमती रिवर। गोमती की ट्रिब्यूटरी है एक साई। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम को छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। ये है राम गंगा। ठीक है, उसके बाद एक रिवर आके मिलती है जिसके नाम है गोमती। ठीक है, और गोमती में एक नदी आकर के इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसकी नाम है साई, साई रिवर। ठीक, ये मिल गई, दो रिवर मिला दिया हमने। उसके बाद एक और नदी आती है फिर जिसका नाम है घाघरा। तो ये कहाँ से आती है घाघरा नदी? तो घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सरयू नदी। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं सरयू, और ये है अपनी घाघरा, घाघरा नदी। घाघरा में आकर मिल जाती है सरयू नदी। सरयू का दूसरा नाम भी है एक, सरयू का दूसरा नाम क्या है? शारदा नदी, शारदा। ठीक है, तो सरयू रहे या शारदा रहे दोनों एक ही बात है। उसके बाद शारदा के बाद एक और नदी है, यहाँ पे दो ट्रिब्यूटरी है जो, अच्छा सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है? घाघरा रिवर जो है वो कहाँ से आ रही है? घाघरा रिवर तिब्बत से आ रही है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है माप्चुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से आ रही है। यहाँ पे इसके तीन नदियाँ हैं नेपाल में आकर के, इसे तीन नदियाँ मिलती हैं, मतलब तीन ट्रिब्यूटरी आती है इसके पास। दो इधर से मिलेंगी, एक है बेरी, फिर है टीला, और एक रिवर इधर आगे मिलती है जिसका नाम है सेती। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये है बेरी, दिख रहा है? बेरी, सीता, सॉरी टीला और सेती, और ये मापचुंग ग्लेशियर से ये जो मुख्य नदी है जिसका नाम है घाघरा। ये घाघरा आकर के कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ आके मिलती है घाघरा? तो चौसा में आके मिलती है, बिहार में एक जगह है चौसा, बक्सर जिला में, वहाँ आके मिलती है। इसके पहले हमने देखा था ये कौन सी नदी है, ये नदी है गोमती। गोमती लखनऊ होते हुए आती है और आकर के मिलती है गंगा में। ठीक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है साई, हमने पढ़ लिया था इसको। इसके पहले हमने देखा था एक उत्तराखंड से एक ट्रिब्यूटरी आ रही थी गंगा की जिसका नाम है रामगंगा, और वो आके इस तरह से मिलती है। तो हमने अब तक तीन मुख्य ट्रिब्यूटरी के नाम पढ़े। तीन 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 कौन कौन नाम है? तो पहला नाम है रामगंगा, दूसरा नाम है गोमती, तीसरा नाम है घाघरा। ये तीन नदियों के नाम हमने पढ़े ट्रिब्यूटरी के रूप में। अभी बाकी इन नदियों के मुख्य नदी के ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये मेन नदी है रामगंगा।
ये है गोमती, ये है घाघरा नदी, और इसके बाद जितने नदी हम पढ़ रहे हैं वो सब उसके ट्रिब्यूटरी हैं। तो क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसके बाद जो नदी आकर के मिलती है ये है राप्ती। तो राप्ती नदी गोरखपुर होते हुए आकर के मिल जाती है कहाँ, घाघरा में। तो घाघरा की एक और ट्रिब्यूटरी हो गई ना, घाघरा की एक और ट्रिब्यूटरी हो गई जिसकी नाम जिसका नाम है राप्ती। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक और ट्रिब्यूटरी है, सॉरी मैं पेन ले लेता हूँ, एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है राप्ती। तो घाघरा की इतनी ट्रिब्यूटरी हो गई। यही सरयू जो रिवर है, सरयू रिवर का एक और नाम है, सरयू का शारदा तो नाम है ही, इसके पहले एक और नाम है इसका, क्या नाम है, काली रिवर, काली। तो काली लिखा रहे या सरयू लिखा रहे या शारदा लिखा रहे, सबका मतलब एक ही है। एक ही नदी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, घाघरा की ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं। तो घाघरा की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी होगी ना, राप्ती इधर, सरयू इधर, ठीक है। उसके बाद एक सी साथ इधर याद रखिए, ऊपर से आते हुए हम याद रखेंगे, नॉर्थ से आते हुए नीचे तक। तो टीला सेती बेरी, टीला सेती बेरी, टीला सेती बेरी, याद करिए, टीला सेती बेरी, टीला सेती बेरी, ये हो गया घाघरा की ट्रिब्यूटरी, टीला सेती बेरी। उसके बाद इधर सरयू और राप्ती, या काली या राप्ती, ठीक है। गोमती का तो आसान है रखना याद, साई है, रामगंगा तो अकेले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब एंटर करे जाएंगे इधर पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से में, ठीक है। तो पूर्वांचल के हिस्से में एक जो नदी मिलेगी हमें, सबसे पहले कौन सी नदी है, ये रिवर है गंडक, वो दिख रहा होगा, ये रिवर है, ये रहा गंडक। तो गंडक रिवर की दो ट्रिब्यूटरी थी, मतलब गंडक रिवर कैसे बनी। तो गंडक रिवर बनने का इसका जो सोर्स है वो है, एक तो है त्रिशूली, और ये नेपाल में कहलाती है गंडकी। तो गंडकी ही गंडक आकर के, मतलब नेपाल में अगर गंडक रिवर रही तो गंडकी कहलाई पहले, जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर गई तो उसका नाम हमने बदल दिया और गंडकी से गंडक बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गंडक की दो ट्रिब्यूटरी कौन कौन, गंडकी और त्रिशूली, या गंडक की एक ही ट्रिब्यूटरी मान लो त्रिशूली, गंडकी इसी का नाम है, गंडक और गंडकी एक ही रिवर है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो गंडक रिवर है इसको चलिए हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, गंडक रिवर, ये ऐसे बना दीजिए। तो ये है गंडक। तो गंडक का जो ओरिजिन है ये नेपाल में ही है, तो नेपाल से ये होके आ रही है, नेपाल में ये नदी कहलाती है गंडकी, गंडकी, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी इसकी आके मिलती है नेपाल में ही, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है त्रिशूली, त्रिशूल होता है ना, तो त्रिशूली रिवर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिवर है, ये जो नदी है, ये कहाँ से आ रही है, तो नेपाल से आ रही है, और नदी का नाम क्या है, तो गंडकी नाम, गंडक नाम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आपको, गंडक रिवर किसकी है, ट्रिब्यूटरी है, गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंडक के बाद जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब तो बिहार पहुंच ही गए हैं, उत्तराखंड से चले थे, फिर थोड़ी देर यूपी में समय बिताया हमने, और अब बिहार की ओर आ गए हैं। तो बिहार में अब हम देखेंगे एक और नदी आके मिलती है, ये इसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी
गंडक। तो ये जो बूढ़ी गंडक रिवर है, ये भी नेपाल से ही आती है। बूढ़ी गंडक का एक और नाम है, दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम है सिकराना। तो बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम सिकराना भी है, तो आप ये भी याद रखेंगे। बूढ़ी गंडक में दो नदी आके मिलती है ट्रिब्यूटरी के रूप में, एक इधर से एक इधर से। एक का नाम है हरसा, हरसा। दूसरे का नाम है मसान। तो हरसा मसान दो नदी है जिसका नाम आप याद रखेंगे। मैं क्लियरली लिख देता हूँ, हरसा और मसान। हरसा मसान किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? तो ये बूढ़ी गंडक यानी कि सिकराना की ट्रिब्यूटरी हो गई। और ये रिवर भी नेपाल से ही होके आती है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद और जब थोड़ा वेस्ट की ओर चलते हैं तो एक और रिवर मिलती है जिसका नाम है कोसी। ठीक है, तो ये रिवर है कोसी। कोसी को कहा जाता है, ये बिहार में बहुत तबाही लाती है, तो कोसी को बिहार का सौरो कहा जाता है। समझ गए? बिहार का शोक कहा जाता है जिसको, कोसी को। तो ये जो कोसी रिवर है ये भी नेपाल से ही होके आ रही है। नेपाल में इसे कहा जाता है गोसाई रिवर। समझ गए? नेपाल में इसका नाम है गोसाई रिवर। गोसाई रिवर है जो बहुत सारी नदियों से मिल के बना हुआ है नेपाल में। कौन कौन सी नदी है? एक इधर से आती है अरुण नदी, एक है सुन कोसी। सन होता है सन, सन मीन सूरज, तो सन कोसी है एक। अरुण, सन, एक है तमूर। तमूर, तो ये सब नेपाल में ही है। तो नेपाल से इतनी सारी नदियाँ हो करके आती हैं और आकर के मिल जाती हैं कहाँ? कोसी में। कोसी को ये मिल करके सारी नदियाँ जो गोसाई कहलाती है, गोसाई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है सप्त कोसी। ठीक है, तो इंडिया में आने से पहले ये गोसाई रिवर कहलाता है या सप्त कोसी रिवर कहलाता है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि सप्त कोसी रिवर किस नदियों से मिल करके बना हुआ है, तो आप बताएंगे अरुण, तमूर और सन, ये सब नदी से मिल करके बनी है। ठीक है, तो ये हो गया एक और ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की। उसके बाद एक इधर अब लेफ्ट साइड की एक और ट्रिब्यूटरी बच रही है जिसका नाम है महानदी। ये महानदी क्या है कि ये आती वेस्ट बंगाल से आती है और फिर बिहार में आती है और फिर से वेस्ट बंगाल में चली जाती है। मतलब अब वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ये आती तो वेस्ट बंगाल से ओरिजिन इसका होता है इधर साइड से, लेकिन ये बिहार में आती है और बिहार से आकर के फिर से वापस चली जाती है वेस्ट बंगाल में, जहाँ ये गंगा को जाके मिलती है। ठीक है, तो इस नदी का नाम है महा नदी। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये हो गई महानदी। चलिए इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने पढ़ा है नदियों के नाम कौन कौन है, गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे पहले पढ़ा हमने रामगंगा, ये देखिए रामगंगा है। उसके बाद हमने पढ़ा गोमती, तो ये गोमती लिखा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा ये घाघरा रिवर, घाघरा में शारदा या सरयू आके मिल जाती है, इसीलिए घाघरा को भी कभी कभी सरयू कहा जाता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, घाघरा सरयू सब एक ही है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ये गंडक रिवर, गंडक रिवर इधर नेपाल से आती हुई मिलती है इधर। और फिर हमने पढ़ा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक ये रहा बूढ़ी गंडक। उसके बाद हमने पढ़ा कोसी रिवर। ठीक है, ये देखिए इधर है अरुण, तमुर और सुन कोसी, हमने पढ़ा था ना।
और ये सब मिल करके बन जाती है सप्त कोसी, और जब भारत में एंट्री लेती है तो ये कहलाती है कोसी। इस तरह से हमने पढ़ा था। और एक नदी महानदी है जो कि शायद इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियरली आपको, ये कहीं यहाँ वेस्ट बंगाल है तो यहीं पे कहीं है, ऐसे आप मार्क कर लेंगे, ये है महानदी। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल से निकलती तो है लेकिन फिर से बिहार में आती है, वेस्ट बंगाल से निकलती तो है फिर बिहार में आती है, फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है, गंगा को मिल जाती है। तो इतनी सारी नदियाँ हमने पढ़ी, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन नदियों के नाम क्लियरली याद हो गए होंगे, जो भी हमने लेफ्ट साइड की नदियों के नाम पढ़े। मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, इसे इस कलर से हाईलाइट करना चाहते थे सारे ट्रिब्यूटरीज को। चलिए ट्रिब्यूटरी को मैं इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गई हमारी ट्रिब्यूटरी गंडकी, फिर ये हो गई हमारी बूढ़ी गंडक, फिर ये हो गई हमारी कोसी, और ये हो गई हमारी महानदी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली अब विजिबल होगा, जब हम गंडक की बात करें तो इस नदी की बात कर रहे होंगे, बूढ़ी गंडक की बात कर रहे होंगे तो इसकी, फिर कोसी और महानदी की बात कर रहे होंगे तो इधर। ठीक है, तो आप इतने सारे नाम याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की ये पूरी नदी का नाम क्या है, गंगा, तो गंगा रिवर की अगर हम लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले अगर पूछा जाए, मतलब स्टार्टिंग नॉर्थ से किया जाए, तो नॉर्थ से साउथ की ओर आते हुए कौन कौन सी नदियाँ आगे मिलेगी, सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर महानदी। ठीक है, तो ये इतनी सारी नदियाँ हो गई हमारी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी। जो दाएं साइड की ट्रिब्यूटरी है, दाएं साइड की जो सहायक नदियां हैं उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, उसको आप इसी पेज में आप इधर से जोड़ लिया कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा, तो आप इसे एक बार फिर से नाम को रिवाइज कर लें, अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।